My dear students, today we are going to discuss longitude and time. Longitude and time. First fact, that is, the earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Mean, हमें ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, रोटेट कितनी होती है, 360 डिग्री होती है. तो पूरा जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम या देशांतर और समय का जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मुख्य बात यही होती है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है. कितने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है. तो हम एक इसको कैलकुलेट करेंगे कि एक घंटे में कितनी घूमती है, एक घंटे में घूमेगी 15 डिग्री. कितनी 15 डिग्री. तो एक डिग्री जो घूमती है वो घूमती है 4 मिनट में. कितने 4, 24 घंटे में 360 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री. तो एक घंटे में कितनी घूमती है 15 डिग्री और 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री. तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को डिस्कस करेंगे. कम ऑन द पेज नंबर 15, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. We are starting with first line. The best means of measuring time is by the movement of the earth. समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, the moon and the tennis. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the tennis. समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे. सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है. एक ऐसी नेचुरल इंसिडेंट है, प्राकृतिक घटना है जो हम हमेशा देखते हैं. अर्थात सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली मीन प्राकृतिक रूप से ऐसी घटना हमेशा होती है. एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट वर्ल्ड. और ये स्वाभाविक ही पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है. इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी रिकर्न बाय द शेडो कास्ट बाय द सन. और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी हम लगा सकते हैं. विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. ये परछाई जो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई होती है, ये दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है. लॉन्गेस्ट विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय याम्योतर पर स्थित
सभी स्थान पर दोपहर होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, फिगर 2.8। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 को हम देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और इस चित्र के द्वारा समय के अंतर के दर की गणना हम कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 degrees an hour और 1 degree in 4 minutes। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 × 4 = 60 minutes। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से क्या हो जाएगा, 1 घंटे आगे, अर्थात वहां दोपहर का कितना बजा होगा, 1 बजेगा। वन और अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 hour, इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी midnight when it is 12 noon at ग्रीनविच। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय होगा वो ग्रीनविच समय से 1 घंटे क्या होगा, पीछे होगा और 5 सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी, मिडनाइट होगी। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश के अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। व्हेन इट इज मिड डे द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का लोकल या स्थानीय समय होगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, आप देख सकते हैं कि देशांतरीय याम्यतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो कॉन्सेप्ट में जो इस पॉइंट में हमने पढ़ा वो ये है कि द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड time. Thank you.